वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइज। गाइज क्या आपके अकाउंट इन्वेस्टमेंट बैंक में है? तो इन्वेस्टमेंट बैंक में है, आपके पास एटीएम आ गया है, जो एटीएम कार्ड आपने अप्लाई किया था लेकिन वो एटीएम कार्ड आपके पास आ गया, तो एटीएम का पिन आप जनरेट करना चाहते हो विदाउट बैंक विजिट विदाउट मोबाइल बैंकिंग, तो आप किस तरीका से उसका पिन जनरेट कर पाओगे, उसका पिन सेटअप कर पाओगे? गाइज मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप घर बैठ के ऑनलाइन द्वारा आपका नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड पिन क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो। किस तरीका से सेटअप करने का है, क्या क्या स्टेप को फॉलो करता हूँ, सब कुछ ये वीडियो में लाइव के साथ होने वाला है, इसलिए वीडियो विदाउट स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो सीख लोगे तो इजी तरीका से आप अपना मोबाइल से भी कर पाओगे। गाइज आपका मोबाइल हो या तो लैपटॉप है, घर बैठ के आप कर पाओगे। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि यूट्यूब की तरफ से फ्री में नोटिफिकेशन आए। दूसरा बात, आपको कोई भी क्यूए नहीं करना है, कोई भी सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आए इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का है, जहाँ पे फॉलो कर सकते हो, उसमें टैग कर सकते हो, 100% रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। गाइज लेते मोबाइल स्क्रीन। ओके गाइज मैं मोबाइल स्क्रीन में आ गया हूँ। गाइज हमारा टाइटल होता है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा किस रिलेटेड वीडियो होने वाला है, तो भी आज मैं बताने वाला हूँ आज आपको इंडसइंड बैंक में आपने अकाउंट खोला है लेकिन उसका एटीएम कार्ड आपको मिल गया है, लेकिन आपको बैंक पे जाने का ज़रूरत नहीं, एटीएम जाने का ज़रूरत नहीं, इस वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा किस तरीके से आप पिन जनरेट कर पाओगे। गाइज आज मैं घर बैठ के एक मोबाइल फ़ोन द्वारा एटीएम का पिन किस तरीका से सेटअप करने का लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। गाइज पहले आपको मोबाइल बैंकिंग अपने चालू किया तो मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका से आपको बताने वाला हूँ आज किस तरीका से आपको करने का है। गाइज गूगल में जाइए, गूगल में जाके आपको इंडसइंड बैंक एटीएम पिन जनरेट बोल के सर्च कीजिए, उसके बाद फर्स्ट में आप एक वेबसाइट आ जाएगा इंस्टेंट पिन जनरेट फॉर डेबिट कार्ड, देख लीजिए इसको क्लिक कीजिए, उसको क्लिक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ। गाइस देख लीजिए, उसके बाद आपको उसको डेस्कटॉप साइज में कीजिए, दीजिए ऑलरेडी डेस्कटॉप साइज में है मेरा, उसके बाद आपको देख लीजिए क्या लिखा है इधर, डेट ऑफ बर्थ डेबिट कार्ड नंबर डालिए पहले, तो डेबिट कार्ड नंबर सबमिट कर रहा हूँ गाइस मैं, मैंने चूज कर लिया, उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर डाल लिया, उसके बाद आपको डालना है डेट एंड बर्थ, जो है डेट एंड बर्थ आपको डालना पड़ेगा, ईयर सॉरी एक्सपायरिंग डेट आपको चूज करना है, ईयर एक्सपायरिंग ईयर जो 2019 29, उसके बाद आपको कार्ड वेरिफिकेशन CVV नंबर आपको फिलअप करना है, CVV नंबर इंटर कर लिया, CVV नंबर इंटर करने के बाद आपको एक जो कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, जो कैप्चा में आप लोग तो लिख सकते हो, कैप्चा में आपको वो फिलअप करना है। उसके बाद आपको एक बटन को क्लिक कीजिए, सबमिट बटन को आप लोग को देख लीजिए, सॉरी गाइज इसमें मंथ सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसको मंथ को भी मैं चूज कर लेता हूँ, मंथ को एक्सपायरिंग मंथ जो क्रेडिट कार्ड का 04, फिर से भी फिर से आपको वो कैप्चा को फिलअप करना पड़ेगा, आगे का कैप्चा मिस्टेक हो गया, कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन को क्लिक कीजिए, सबमिट को क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए कस्टमर आईडी आपको डाल, ओके गाइज उसके बाद आपको डेट एंड बर्थ डालना है, आपका डेट एंड बर्थ क्या है वो डालना है,
1998 मार्च अप्रैल एक उसके बाद आपको कस्टमर आईडी डाल लिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो पैन कार्ड नंबर पर डाल के कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट ओटीपी को क्लिक कीजिए। जनरेट ओटीपी को क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको सबमिट करना है। ओके गाइज, ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद सेट पिन को क्लिक कीजिए। सेट पिन को क्लिक कर लिया, उसके बाद आप क्या पिन रखना चाहते हो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके गाइज, 4 डिजिट का पिन सबमिट करना है आप लोग को। मैंने सबमिट कर लिया, इंटर किया, फिर कंफर्म किया। उसके बाद आपको सबमिट बटन को क्लिक कीजिए। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद देख लीजिए, योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली हो गया। गाइज देख लीजिए, लाइव प्रूफ के साथ मैंने सक्सेसफुल करके दिखा दिया किस तरीका से आप घर बैठ के एक मोबाइल फ़ोन द्वारा आप आपका ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। गाइज आज के वीडियो आपने सीख लिया होगा गाइज, आप डेबिट कार्ड घर बैठ के कैसे पिन सेट कर सकते हो, उसका पिन किस तरीका से जनरेट कर सकते हो। गाइज ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको Q&A करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का है, उधर जाके फॉलो कर सकते हो, उसमें टैग्स कर सकते हो। 100% को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए वीडियो का थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।